Now we वी विल सी gender जेंडर सोशलाइजेशन हाउ इट It's इट्स ड्यूरिंग देर फर्स्ट that गर्ल्स एंड boys आर socialized into and एंड लर्न attitudes, norms नॉर्म्स एंड देखिए अगर अर्ली चाइल्ड हुड में बच्चे आ जाते हैं पॉजिटिवली बच्चे बच्चियाँ दोनों तो बहुत ही एक अच्छा उनकी सोशलाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है वो एक दूसरे से मिलते हैं उनके तजुर्बा से फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं समझते हैं और उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उनको मुआरे के बारे में पता चलता है फिर राइट फ्रॉम बर्थ चिल्ड्रेन बिगेन लर्निंग अबाउट द जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी फ्रॉम पेरेंट्स केयर गिवर्स अदर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स एंड अबाउट हाउ गर्ल्स एंड बॉयज एंड मैन शुड बिहेव देयर सोशल वर्थ वट द रोल इज़ इन सोसाइटी तो देखें जब वो घर से बाहर निकलेंगे अपने से उनका इंटरेक्शन होगा और अदर रिसोर्स पर्सन से होगा पीयर से होगा तो उनको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होता है हम कितनी वैल्यू रखते हैं हम क्या सीख सकते हैं और दूसरे बच्चों के साथ जब वो मिलके खेलते हैं तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी पैदा होती है सेल्फ एफिकेसी भी पैदा होती है और फिर वो एक माशरे के अच्छे और मुफ़ीद रुकन बनना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरों के रवैये सीखते हैं ना कौन उनकी मदद कर रहा है किस तरह से कर रहा है कौन अपने क्या फ़्राइज़ अंजाम दे रहा है जैसे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं उनको मुख्तलिफ़ प्रोफेशनस के बारे में बताया जाता है कि भाई कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई एंकर है कोई प्रोड्यूसर है को इस तरह के प्रोफेशनस के बारे में तो फिर उनको भी शौक़ लगता है कि हम भी ये सब बने और फिर वो जब ज़ाहिर है दुनिया की बहुत सी चीज़ों से उनका इंटरेक्शन होता है तो वो उनको लगता है कि खुली दुनिया पड़ी है और वो बड़े होकर कुछ भी बन सकते हैं कुछ भी सीख सकते हैं एडल्ट टीच चिल्ड्रन जेंडेड बिलीफ नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए बच्चों का सिर्फ इंट्रैक्शन छोटे बच्चों से ही तो नहीं है जो उनके इर्द गिर्द हैं बड़ों से भी है से भी है ज़ाहिर घर में पेरेंट्स से भी है लेकिन कम्युनिटी मेंबर्स से जब उनका इंटरेक्शन होता है तो वो उनको सिखाते हैं कि हमारे बिलीव्स क्या है और ये कि हम सब लोग किस तरह से रहना पसंद करते हैं हमारे नॉर्म्स क्या है हम आपसे क्या तो रखते हैं आप बड़े हो के क्या बनेंगे और अभी क्या करेंगे सो वेन दे मॉडल डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर्स फॉर वैन मैन एंड वेमेन बोथ इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द होम ये सब रोल है ना हमारा अपने बच्चों के लिए कोई उस्ताद है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई शॉपकीपर है कोई बिजनेसमैन है तो ये सारे लोग जब बच्चे देखते हैं तो वो रोल मॉडल के तौर पर उनको लेते हैं When दे ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज़ डिफरेंटली और encourage स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इंक्लूडिंग टॉयज़ हाउस होल्ड कोर्स प्ले एक्टिविटीज़ तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों की सोशबिलिटी पे इस तरह से फ़र्क पड़ता है कि अगर जो वालदे या उस हैं वो इस तरह के रोल मॉडल बने कि वो बच्चियों को कुछ और बता रहे हों और लड़कों को कुछ और बता रहे हों अगर वो उनको ऐसी यूज़फुल और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे जो माशरे में अच्छा एक्सेप्टेबल है तस्लीम की जाती है तो वो वही ऑप्ट कर लेंगे लेकिन वो अगर वो टॉयज़ के ज़रिए देखो ये गुड़िया है ये घर के काम कर रही है अबू जो है वो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं और इस तरह की अगर हम स्टीरियो टिपिकल थाट्स उनको देंगे तो जैसा हम उनको रोल मॉडल करेंगे वैसा ही उनके जहनों में बैठ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे बड़े हैं वो मुशरे में एक दूसरे की मदद करेंगे मदद करके साथ चलेंगे तो जो काम जो जिसको अच्छा लगता होगा वो वो करेगा यानी आप उसको थोड़ी सी फ्रीडम भी सिखाएंगे दिस प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन मे डिफर फ्रॉम फैमिली टू फैमिली डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल रिलीजस एंड कल्चर बिलीफ तो अब होता ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर पे जो पेरेंट्स हैं और उनके डिफरेंट cultures हैं ख़ानदान की अपनी रिवायात हैं तो कुछ तो शुरू से उनको ये सिखा देते हैं बच्चियों को कि भई आपने तो ये यही काम करने ये नहीं करने तो ज़ाहिर है वो उससे रुक जाएगी या वो सोचेंगी हमने नहीं करने और जो बेटे कर और तो और मैंने ये भी देखा कि लड़कों से ये कहा जाता है लड़के रोते नहीं हैं लड़के बहुत बहादुर हैं भाई अच्छी बात है लेकिन जब लड़कियां रोती हैं तो उनको कोई नहीं कहता अभी लड़कियां नहीं रोती लड़कियों को भी कहा जा सकता है कि आप भी बहादुर हैं आप नहीं रोएंगी या आप आ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी या लड़कों को भी यह समझाया जा सकता है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस तरह के उनके सामने रोल मॉडल बन रहे हैं ये चीज़ें उन वो अपनी सोशलाइजेशन से सीखते हैं